भीषण हमलों के बीच रूस ने खेला है बातचीत का दांव। पहले भी किया था, पहले भी कहा था व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति ने, कि हथियार डालिए, बातचीत करेंगे। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति अड़े रहे, बातचीत की तो बात की लेकिन हथियार डालने को तैयार नहीं हुए। वो खुद भी अमेरिका के न्योते को अस्वीकार करके ये कह रहे हैं, मुझे भागने के लिए विमान नहीं, मुझे हथियार की जरूरत है। जाने के लिए बातचीत की तैयारी में रूस, भीषण हमलों के बीच रूस ने खेला है बातचीत का दांव। और यूक्रेन युद्ध पर रूसी रक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान है, लेकिन क्या यह बातचीत ऐसी होगी जिसमें आप अपनी आक्रामकता को थोड़ा सा रोकेंगे, इस पर नजर होनी चाहिए।